क्या एक बार फिर लैंडर विक्रम से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिक संपर्क साध पाएंगे? क्या लैंडर विक्रम से संपर्क के लिए कोई डेडलाइन है? ये वो सवाल है जिसके जवाब का पूरी दुनिया को इंतजार है। चंद्रयान 2 के लैंडर से रविवार को संपर्क टूट गया था। इसके बाद से अब तक 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक चंद्रमा की सतह से कोई अच्छी खबर नहीं आई है। सिर्फ 10 दिन और इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर विक्रम से संपर्क साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 10 दिनों का समय बचा है। 21 सितंबर तक ही वे विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद लूनर नाइट की शुरुआत हो जाएगी, जहां हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। 14 दिन तक ही विक्रम को सूरज की रोशनी मिलेगी। बता दें कि लैंडर और रोवर को भी सिर्फ 14 दिनों तक काम करना था। -200 डिग्री का कहर, चांद की सतह पर ठंड बेहद खतरनाक होती है। खासकर साउथ पोल में तो तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लैंडर विक्रम ने भी साउथ पोल में ही लैंड किया है, चंद्रमा का ऐसा इलाका जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंचा है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।